नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरू। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में डिजिटल रुपए लॉन्च करने की घोषणा की, जिसके बाद से लोगों में उत्सुकता बढ़ती हुई नजर आ रही है कि आखिर इसका मतलब क्या है और कैसे आमजन इसका उपयोग कर पाएंगे। आपको बता दें कि ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC होगी। RBI इस डिजिटल करेंसी को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में लॉन्च करेगा। डिजिटल रुपया या CBDC को डिजिटल इकोनॉमी के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही भारत इस तरह से आधिकारिक तरीके से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला बड़ा देश बन जाएगा। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं आपके फायदे की। CBDC क्या है, सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आम लोगों के लिए कितना सुरक्षित है और फायदेमंद है। तो CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC ऐसी करेंसी है जिसे ना हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल आम मुद्रा की तरह होगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये डिजिटल फॉर्मेट में होगा। इस डिजिटल करेंसी के जरिए आप लेन देन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का बिल जमा कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर मंडराएगा कि आखिर इसे कहाँ रखा जाएगा। तो इस डिजिटल करेंसी को ऑनलाइन वॉलेट में ही रखा जा सकता है। जैसे आप नोट अपने वॉलेट में रखते हैं पर वो डिजिटल नहीं होता, इस डिजिटल करेंसी को आप डिजिटल वॉलेट में रखेंगे। देश में लेन देन के लिए CBDC को कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर डिजिटल करेंसी CBDC को लॉन्च कौन करेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI नए फाइनेंशियल ईयर में CBDC को लॉन्च करेगा। नई करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। RBI की ओर से डिजिटल फॉर्म में जारी CBDC एक लीगल टेंडर होगा। जी हाँ, सेंट्रल बैंक से जारी करेंसी की तरह ही CBDC भी होगा, लेकिन इसे नोट की तरह आप अपने जेब में नहीं रख सकेंगे, ये करेंसी की तरह ही काम करेगा। साथ ही CBDC को नोट के साथ बदला भी जा सकता है। है ना बात आपके फायदेमंद की, ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके अकाउंट में दिखाई भी देगी। अब RBI के रिपोर्ट में पहले बताया गया था कि CBDC से आप कैश के मुकाबले आसानी से और सुरक्षित तरीके से कहीं पर भी खरीदारी कर सकेंगे। जी हाँ, अब आपके मन में तीसरा सवाल ये आया होगा कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी जैसी होगी। तो बिल्कुल नहीं, CBDC क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक का CBDC एक लीगल टेंडर होगा, इसे RBI जारी करेगा, इसलिए इसमें जोखिम नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी में तो बहुत जोखिम होता है, इससे देश में आसानी से खरीदारी हो सकेगी। कि प्राइवेट वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन से एकदम अलग होगी, तो आप इसे एकदम एक मत समझिएगा। प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के साथ कई तरह की बाधाएं होती हैं और बिटकॉइन जैसी इन करेंसीज को सभी देशों में मान्यता नहीं मिलती है। साथ ही प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के किसी सरकार से नहीं जुड़े होने की वजह से इसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है। प्राइवेट वर्चुअल करेंसी कमोडिटी नहीं है, साथ ही इनका कोई आंतरिक मूल्य भी नहीं होता। प्रश्न नंबर 4, क्या बिटकॉइन की ही तरह ये भी जोखिम भरी करेंसी होगी? हमने जैसे पहले भी बताया, नहीं। इन्वेस्टोपीडिया की रिपोर्ट की बात करें तो उनके मुताबिक सरकार का लक्ष्य आम लोगों को एक लीगल और सुविधाजनक डिजिटल करेंसी मुहैया कराना है, ताकि उन्हें सुरक्षा संबंधी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। सरकार की बजट में डिजिटल करेंसी की घोषणा बिटकॉइन जैसे अन्य क्रिप्टो और वर्चुअल करेंसी को लेकर मंशा को व्यक्त करती है। RBI कई मौकों पर बिटकॉइन को लेकर चिंता जता चुकी है, क्योंकि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स चोरी जैसा खतरा मना रहता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल आतंकवादी संगठन भी जरूर कर सकते हैं, इसलिए RBI ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी CBDC लाने की योजना की घोषणा जताई थी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर, क्या अमेरिका, चीन और यूके की अपनी डिजिटल करेंसी है? CBDC की यदि हम बात करें तो किसी भी देश की आधिकारिक करेंसी का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल टोकन होगा। ये पैसों के लेन देन, आवश्यक सामानों की खरीदारी के पेमेंट्स में भी काम आएगा। जी हाँ, दिसंबर 2021 तक 87 देश जिनकी वैश्विक GDP में 90% से अधिक की हिस्सेदारी है, CBDC के बारे में रिसर्च कर जानकारी जुटा रहे थे। इनमें से 35 देश मई 2020 में CBDC लाने के प्रोजेक्ट पर विचार
प्रचार कर रहे थे। इनमें से 9 देश पहले ही सीबीडीसी को पूरे तरीके से लॉन्च कर चुके हैं। इनमें बहामास, साउथ ईस्टर्न कैरिबियन और नाइजीरिया शामिल है। कैरिबियन देशों से बाहर नाइजीरिया ने भी हाल में अपनी सीबीडीसी ई लायरा लॉन्च की है। हालांकि 4 सबसे बड़े केंद्रीय बैंकों यानी कि अमेरिका, यूरोप, जापान और यूके वाले प्रमुख देश अपनी सीबीडीसी लॉन्च करने में सबसे पीछे हैं। चीन और दक्षिण कोरिया सहित 14 देश ऐसे हैं जो अब अपने सीबीडीसी के साथ प्रायोगिक चरण में हैं और जल्द ही इसे लॉन्च करने की तैयारी भी कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न ये उठ करके आता है, क्या ये डिजिटल करेंसी हम जैसे आम लोगों के लिए फायदेमंद होगी? तो डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी। जी हाँ, जैसे यूएई में एक वर्कर को सैलरी का 50% हिस्सा डिजिटल मनी के रूप में मिलता है। इससे ये लोग अन्य देशों में मौजूद अपने रिश्तेदारों को आसानी से बिना ज्यादा शुल्क दिए पैसे भेज सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि अभी इस तरह दूसरे देशों में पैसे भेजने पर 7% से अधिक का शुल्क चुकाना पड़ता है, जबकि डिजिटल करेंसी के आने से इसमें 2% तक की कमी आ जाएगी। इससे लो इनकम वाले देशों को हर साल 16 अरब डॉलर यानी कि 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे मिलेंगे। धन्यवाद, आज की खबर पसंद आई। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।